मैं भेज दूंगा यार। माननीय हमारे महबूब नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता, गरीबों के नेता, अल्पसंख्यक समाज के नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के पर उत्तीर्ण हो रहा है। इस बात से ये साबित होता है इस प्रदेश की और देश की सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला, एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाने वाला वो आदमी कभी कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकता। क्रिमिनल नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की और इस प्रदेश की सरकार ने उन्हें क्रिमिनल बनाकर रख दिया है। ये झूठे मुकदमे अगर वापस नहीं होते हैं तो हम अल्पसंख्यक सभा की तरफ से इस बरेली के अंदर इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। मेरा आपसे अपना अनुरोध है, ये न्यूज आप चलाएं और इस देश में और प्रदेश में बैठी हुई भूमि पर सरकार को अवगत करवाएं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और व्यापारी परेशान है। व्यापारी परेशान इसलिए है, जीएसटी लागू कर ये साबित कर दिया कि व्यापारियों की विरोधी सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौजवानों की विरोधी सरकार इसलिए है, नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता काटकर ये साबित कर दिया नौजवान विरोधी सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ महिला विरोधी सरकार इसलिए है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ।